नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। में हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया टॉप 10 खबरों का। जान रुख करेंगे टॉप 10 की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ की तैयारियों को लेकर मंत्रियों संग करेंगे बैठक। इंडियन नेवी ने श्रीलंकाई मछली पकड़ने वाले नाव से पकड़ा 500 किलोग्राम नशीला पदार्थ। संभल में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट, ड्रोन से होगी इलाके की निगरानी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में वीएचपी आज करेगी प्रदर्शन। अजमेर दरगाह केस को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीजीआई को लिखा पत्र। तमिलनाडु पांडुचेरी के तट से शनिवार सुबह टकरा सकता है चक्रवात फेंगल, मौसम विभाग का अलर्ट। ईरान की धमकी शिकंजा कसा तो परमाणु हथियार पर बैन हटाएंगे, नेतन्याहू बोले रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। आज से डीजीपी सम्मेलन की शुरुआत, पीएम मोदी अमित शाह होंगे शामिल। आंतरिक सुरक्षा एआई खतरों पर होगी विशेष चर्चा। यूपी के मदरसों से गायब हुई एनसीईआरटी की किताबें, मंत्री ने सवाल का, विभाग ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। बांग्लादेश में इंदु पुजारी की गिरफ्तारी का शेख हसीना ने किया विरोध, तत्काल रिहाई की मांग। टॉप 10 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।